मोहम्मदिया मंदी हाउस की लाजवाब पेशकश ब्रोस्टेड चिकन साफ शफाफ माहौल में तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स के लिए मोहम्मदिया मंदी हाउस शहर में हर जगह मेन ब्रांच कादरबाग नारन नगर रोड हैदराबाद। हाय राजेंद्र, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि राजेंद्र नगर पीएस लिमिटेड से है, जहां पर बीआरएस के वार्ड मेंबर की दादागिरी देखने में आई है। वार्ड मेंबर ने मुतालिबा किया है कि अगर कोई मुस्लिम शख्स उस एरिया में बिल्डिंग बनाता है तो इनको 5 लाख रुपए देना चाहिए, यानी रिश्वत इनको देनी चाहिए, तो ही आप बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर 5 लाख रुपए आप नहीं देंगे तो आपके घर को डिमोलिश ये करवा देंगे, इतना पावर इनके पास है। क्योंकि वहाँ के एमएलए जनाब प्रकाश गौड़ साहब है जो कि बीआरएस पार्टी के एमएलए हैं। तो बहरहाल जो है इस तरह की दादागिरी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है राजेंद्र नगर हलके में। अब प्रकाश गौड़ बीच में आएंगे या नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो उसकी क्या वजूहत होगी, अगर आएंगे तो इसके पीछे क्या वजूहत होगी, ये भी गौर व फिक्र करने वाली बात है। क्योंकि राजेंद्र नगर में कोई मुस्लिम अगर मकान बनाता है तो उसको 5 लाख रुपये देने पड़ेंगे, अगर कोई हिंदू भाई बनाता है तो शायद उसको देने नहीं पड़ेंगे, इस तरह से सुनने में आ रहा है। लेकिन इसमें किस हद तक सच्चाई है, इसकी सच्चाई की रिपोर्ट जो है प्रकाश गौड़ जो वहाँ के एमएलए हैं उनको बीच में आकर देनी पड़ेगी, क्योंकि 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, वरना इसका जवाब प्रकाश गौड़ को अच्छी तरीके से मिल जाएगा 6 महीने के बाद। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं राजेंद्र नगर से। अब उस दिन बोले ना ना, आप क्या बोले, वो हमारे दीवार है, तुम बोले फिर ले ले ना, वीडियो बेटकुटा ना गुर्तुंडी पोते ए ना एम बेटा ने అది కాదు నా గోడ ఇడి దాకున్నది నా జాగా జాగా ఇడి దాకున్నది నా జాగా బంద్ కర్రే భాయ్ నీ అంకుల్ రెండో వీడియో బంద్ కర్రే నీళ్ళెందుకు వచ్చినావు మాకు చెప్పాలేగా పిలిపిరి నాకు చెప్పాలేగా మీరు మింటోలం ఉన్నాం కదా నేను వచ్చిన మేము ఉన్నామా వచ్చినా కదా వచ్చినాక చెప్పే వరకు ఆగాలిగా నర్సింహ అంకుల్ చెప్పిండగా నిన్న చెప్పినాక ఎట్లా మాట్లాడి నర్సింహన మరి నాకు చెప్పాలిగా ఎవరికైనా మంచిగా మాట్లాడు మంచిగా అవు మరి మంచిగా మాట్లాడు నేను అన్నా నా కొట్లాడికే మీరే కొట్లాడికే ఎట్లా మాట్లాడుతుండు అరే తురే అనేస్తుండు నేనేమని అన్నానా నీకు మరి మరి అరే వచ్చే వరకు ఆగేడుతుండే నువ్వు అరే మంచిగా మాట్లాడు హరీష్ మంచిగా మాట్లాడు అదే అంటున్నా మాట్లాడు నిన్నేమన్నా నేను నిన్నేమన్నా నా ఇష్టం అది నువ్వు నీళ్ళు పోసినావు కాబట్టి తీసిన ఎవరేసిరు నేను వేసినానా నేను వేసినానా రాజేంద్ర నగర్ కి హోమై ये मेरा घर है ये लोग नहीं बनाने दे रहे मुँह बोल तो मारने आ रहे रघु मुद्रज वार्ड नंबर बोल के पैसे दो नहीं तो घर दे दो बोल रहे मैं कहाँ जाना उसके उसकी पूरी फैमिली मेरे को मारने आ रही है मैं पैसा पैसा एक एक रुपया जमा करके घर बना ले रही मैं कितने साल पहले लिए थे घर आप लोग ये हमारे दादा परदादा से है ये अब तो नहीं है 100 साल का घर है वो वजह क्या है हमारे सामने आए वजह क्या है वजह उसकी जगह है बल्कि लड़ रहा मेरे साथ मेरी जगह है वो लड़ रहा उन्हें बस मुसलमान है घर भेज देना बोल के लड़ रहा मैं नहीं रहना बस पीछे भी दूसरों को जाके क्या बोल रहा है तुर्को कोड़कुल उंडो तू तुर्को कोड़कुल उंडो तू आप मुसलमान या नहीं रहना इन उंडो तू ये लिखो वाले इकली में बोल हिंदी में बोल बोल उन्हें नहीं रहना बोल रहे क्या करूँ मैं अब मैं किधर जाना मेरा इंसाफ करो 10-15 दिन से फुर्सत आराम ले इससे दूसरा कम्प्लेट है भाई हमारा कम्प्लेट दिए तो भी बुलना भी आके उन से बात कर दिए कम्प्लेट करे कितने बार कंप्लेंट करे पुलिस वालों का रिस्पॉन्स क्या है उधर मालूम नहीं अभी लोग कुछ बोल रहे हैं हमारे को आता कहाँ पर ही है मस्जिद के पास मस्जिद के कौन सी मस्जिद जामिया मस्जिद एरिया कौन सा है वो राजेंद्र नगर राजेंद्र नगर प्लाटिंग करे कौन वो कौन बेचे तो जमीन है आपको कुछ बेचे तो कुछ भी ना हमारे ससुर का है वो दादा जमाने में आके लिए सो जमीन आपका नहीं दादा के पास सुबह नहीं आया पेपरा के साथ है बात को पहले एमएलए साहब का नाम लेता एमएलए का मैं वार्ड नंबर हूँ मैं टीआरएस वार्ड नंबर हूँ मेरे को कोई भी नहीं बोल सकते बात को पहले भाइयों को और उसके घर में हथियार भी है तलवार लेके भाई को अकेले को देख रहा मैं जाके अच्छी मोहब्बत से बोला अन्ना मैं घर बना लेता हूँ
मेरे को, मैं गरीब आदमी हूँ ना, दोनों भाई भाई बना लेते बोल तो ठीक है बोल के भाई एक जना बोल रहा बना लो बोल रहा, और एक भाई बोल रहा आके काम रुका दे रहा। ज्यादातर रघु मुद्राज वार्ड नंबर टीआरएस का बात को पहले, और शिरीष हरीश उसके बच्चे पूरे बात को पहले क्या बोल रहे, तुम कहाँ भी जाओ कुछ भी कर लो तुम्हारा कुछ भी नहीं चलता, हम लोग हर जगह हमारे को एमएलए सपोर्ट है, प्रकाश गौड़ साहब सपोर्ट है हमारे को, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते रहे। दूसरा कंप्लेंट है साहब, अब ये मेरे भाई को मारे, आज इसको मारे कल इनको मार देते, अब हमारे को इंसाफ कहाँ मिलता, हम पीएस को आए, अब साहब से और एक रिक्वेस्ट करे कि साहब हमारे को इंसाफ चाहिए। और क्या बोलता, अभी मैं फ़ोन करा तो बोलता मेरे को तू कहाँ जाता जा, कहाँ बैठता बैठ, जो करना कर, अगर लड़ना है आजा लड़ लेंगे, ज्यादा बोले तो सबको मार देते हूँ बोल के डरा रहे हैं। हमारे को इंसाफ कहाँ दिलाना चाह रहे हैं, अब दिलाइए। अब उन लोगों का घर के पास जाना बोले तो भी हमको डर हो रहा, हम सुबह उठ के नौकरियों को जाने वाले हैं, मेहनत करके जब हमारा घर गिर गया तो कोई एक गवर्नमेंट नहीं आया, कोई सपोर्ट नहीं करा, हमारे घर टूट गया बोल के हम लोग पूरे मिल के पैसे डाल के घर तोड़ के घर बना ले रहे, हम लोग बना ले रहे। तो मैं उसको बोला 10 बार बोला ना मेरी जगह है ना मेरी जगह है, ठीक है भाई ना मेरी जगह है, ठीक है भाई अगर उन्होंने जगह नहीं है बोल के बोल रहा ना, म्यूनसिपल ऑफिस से बुला के लेंगे। म्यूनसिपल में भी गया मैं तो म्यूनसिपल में कंप्लेंट करा, उन्हें ना नोटिस भेजा ना कुछ भी नहीं भेजा, उन्हें आया दो जने, क्या नाम है उसका, दो जने आके काम रुका दिए मेरा। तीसरे दिन से मैं काम शुरू करा, उसके भाई से जाके पूछा, उसके खानदान वाले से बोला, रिक्वेस्ट कर लिया, भाई मेहरबानी करो हमला गरीब आदमी हमला बना लेते हैं अन्ना, शाम में क्या बोल रहा बना लो बोल रहा, बाद में उसके भाइयों को ज्यादा जुलूम, वार्ड नंबर टीआरएस वार्ड नंबर और उसके जो टीआरएस के जो भी लीडर हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, हकीकत की बात। अगर हमारे जुलूम हो रहा, हमारे इंसाफ चाहिए, नहीं बोलते हम लोग पूरे मिलके कुछ तो भी वहां डाल लेके मर जाते, एक ही काम बात एक ही हमारा लास्ट फाइनल है ये, इसका इंसाफ अगर नहीं हुआ, इन लोगों को अंदर नहीं डाले कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोग हमारे घर वाले पूरे मिलके कुछ भी खा के मर जाते, हम लोग उनको कुछ बोले नहीं, और हमारे पास हिम्मत नहीं है भाई लड़ने की, हम गरीब आदमी है, मेहनत करना तो मैं ड्राइविंग करता हूँ भाई, मेहनत करना तो खाना हमला, हमारे को बहुत जुलम हो रहा, मेरा हाथ में टीआरएस वार्ड नंबर जो है ना रघु मुद्राज सन्नी और हरीश, ये बच्चे तलवारा लेके आ रहे, इनके घर में भी आप लोग चेक कर सकते, पूरे तलवारा मिलते हैं इनके घरों में, बाल बात को पहले मट्टी ढकल दे रहे हैं, मैं जाके बात करे बात, भाई जा रहा काम, अब मैं नहीं रहता हूँ भाई, सुबह चले आता हूँ, भाई जा रहा तुम्हारे को कुछ भी रहा तो मेरे से बोलना ना, उसके ऊपर कहीं को दादागिरी करना, लड़ता हूँ मारता हूँ लड़ता हूँ, भाई हमारा हिम्मत नहीं है, तुम लोग मारते करते होंगे, बात को पहले एक ही बोल रहे कि मुसलमान नहीं रहना, तो कहाँ जाना मुसलमान, मुसलमान में कब तक जुलूम होता, तुम लोग बस्ती के पूरे लोग हम बोल रहे क्या, हम एक ही बोलते सो भाई है मेरे, हिंदू रहो चाहे क्रिश्चियन रहो कोई भी रहो सब मेरे भाई है, हम आपसे नहीं है, हमारे दादा परदादा से हम लोग, हमारा खानदान पूरा वहीं से, आज आज अब एक ही बात बोल रहा हूँ ना, मुसलमान नहीं रहना तो कहाँ जाना मुसलमान, कहाँ जाके ठहर के बात करना मुसलमान, घर बेच दो बोल के डरा रहा हमारे को, कहीं को बेचना घर, मैं घर बेचे तो मैं कहाँ जाके जीना, मैं पैदा ही से आए मेरा गाँव, मैं कहाँ जाके जीना, मेरे को बहुत जुलूम हो रहा भाई। रघु मुद्राज वार्ड नंबर, इमिडिएटली एक्शन लेना इस पर, अगर इमिडिएटली इस पर एक्शन नहीं लिए तो हम लोग पूरे मिलके कुछ तो भी खा के मर जाते। मोहम्मदिया मंदी हाउस की लाजवाब पेशकश, ब्रोस्टेड चिकन, साफ शफाफ माहौल में तैयार किया जाता है ब्रोस्टेड चिकन, पूरे हैदराबाद में सबसे जायकेदार ब्रोस्टेड चिकन हमारे यहाँ, और मंदी बिरयानी कबाब शवरमा, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए मोहम्मदिया मंदी हाउस, शहर में हर जगह मेन ब्रांच कादरबाग नारायण नगर रोड हैदराबाद।